कथाओं का श्रवण उन्नति के सूत्र प्रदान करता है। धन का यथार्थ ये बौद्ध कथा आपके दारिद्र का हनन कर आपको लक्ष्मीवान, धनवान, यशवान बना देगी। एक समय की बात है, एक राजा सुवर्णजात प्रतिदिन सहस्र सुवर्ण मुद्राओं का दान करते, कोई याचक उनके यहाँ से निराश खाली हाथ नहीं लौटता। परंतु सुवर्णजात के निजी सेवक अनुरत ने एक दिन कुछ मांगा तो उन्होंने एक ही नपातुला उत्तर दिया, अनुरत मैंने तुम्हें बिना मांगे बहुत कुछ दिया, देने का विचार भी करता हूँ, तुम्हें कुछ देने लगता हूँ तो भगवान सूर्य मेरा हाथ पकड़ लेते हैं, क्या करूँ, मैं कुछ देने में विवश हूँ। अनुरत जड़बुद्धि नहीं था, वह निरंतर अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। एक बार सूर्य ग्रहण पड़ा, अनुरत उस समय स्वामी के समीप था। ग्रहण प्रारंभ होते ही कहने लगा, स्वामी इस समय तो सूर्य को राहु ने पकड़ लिया, अब आपको कोई नहीं रोक सकता, अब तो कुछ दीजिए। सुवर्णजात अनुरत को न देने का एक रहस्य था, पर आज सुवर्णजात पकड़ में आ गए, इनकार नहीं कर सके। निजी सेवक को बहुत सा धन स्वर्ण मुद्राओं का दान किया। अनुरत के मन में दमित जो इच्छाएं थी दबी पड़ी कुचली, धन के अभाव में जो प्रसुप्त थी एकाएक धन पाकर भड़क उठी। अब तक जहां संयमित जीवन जीता था, आज भोग विलास का भूत उसके सर चढ़कर बोल रहा था। मकान बनाने से लेकर विवाह करने तक की जो महत्वाकांक्षाएं थी तत्काल पूरी कर डाली, देखते देखते सारा धन स्वाहा कर दिया, किंतु अनेक रोग और दुर्बलताएं उसने पैदा कर ली थी। जब तक धन रहा काम को कौन पूछता, अस्तु धंधा भी छोड़ दिया था। अब जब पास में कुछ न बता तो पुनः अनुरत सुवर्णजात के पास गया, काम पे रक्षा की याचना करने लगा। सुवर्णजात ने उत्तर दिया, तात रिक्त स्थान की पूर्ति कर ली गई है, अब सेवक को हटाना नीति के विरुद्ध है, तुम्हें काम पर रखना तो असंभव है, अलबत्ता एक उपाय बतला देता हूँ, तुम श्री बीज लगाकर यदि भगवती लक्ष्मी की उपासना करो तो उनसे तुम्हें अवश्य धन प्राप्त होगा। अनुरत उसी दिन से देवी की उपासना में लगा। भगवती लक्ष्मी प्रसन्न हुई, वर मांगने को कहने लगी। वह लक्ष्मी जी से बोली, वस घर जा, कुछ काम कर, उद्यम उद्योग कर, मैं तो स्वतः तेरे पास आ जाऊंगी। परंतु भोग वृत्ति में आसक्त अनुरत के पास कुछ कहाँ करने का समय, वह लक्ष्मी जी से हट करने लगा। माँ बोली, अच्छा तू पहले ऐसा कर, भोगी लाल और उद्योगी लाल दोनों के पास जाकर देखा, जिसकी लक्ष्मी तुम्हें पसंद आए मैं उसी रूप में तेरे पास आ जाऊंगी। अनुरत दोनों के पास जाकर देखने लगा। भोगी लाल के पास धन संपत्ति तो बहुत, पर अपनी भोग दृष्टि के कारण उसने स्वास्थ्य को चौपट कर लिया। घर पर लड़कों के दिन भर कलह मची रहती, कर को राज के कर्मचारी सताते सारा जीवन आतंक, भय, चिंता, निराशा, व्याधियों से ग्रस्त रहता। उधर उद्योगी लाल का घर जाकर देखा तो कारोबार तो खूब फैला था, घर वाले खूब अच्छा खाते पहनते, परिश्रम भी उतना ही करते, स्वस्थ थे, प्रसन्न थे। हाँ, कल के लिए मुश्किल से उनके पास धन बचता था। वापस लौटकर अनुरत ने देवी से कहा, माँ भगवती अब मुझे धन नहीं चाहिए, मैंने सारा मर्म समझ लिया, धन का यथार्थ भोग नहीं सदुपयोग करने में है, धन का सदुपयोग वही कर सकता है जो नीति और परिश्रम पूर्वक उसकी कमाई करता है, इसलिए आप मुझे वरदान का धन नहीं अपितु स्वयं धन देने का, उद्योग करने का, उसे उत्पन्न करने का एक आशीष दीजिए। यही बात आपके और मेरे जीवन पर लागू होती है। उन्नति चाहते हैं तो कर्म करना होगा, कर्म फलों को दोष देने की अपेक्षा आज जो कर्म आप और मैं पूर्ण मनोयोग से करेंगे वही आपके और मेरे स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करेंगे।